प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर है, वरना कोई अपनी माँ के नाम पर जग हसाई नहीं करता। हम अपनी माँ को कई नाम से बुलाते हैं, ऐसे ही भारत माता को भी हम माँ कहते हैं, इसलिए उसे इंडिया बुलाए, भारत या हिंदुस्तान, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी इंडिया के लोगों से डरते हैं, लोगों के खौफ से डरते हैं, लोगों की नाराजगी से डरते हैं, ये कहा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत ने राजस्थान में बैठे बैठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा सुप्रिया श्रीनेत ने। नरेंद्र मोदी की सरकार डरपोक है, नरेंद्र मोदी कायर है, और अगर कायर और डरपोक नहीं होते तो अपनी माँ का नाम कभी विद्रूप कोई नहीं करता है। आप अपनी माँ को हो सकता है अम्मा बुलाते हो, मैं अपनी माँ को मम्मी बुलाती हूँ, कोई और माँ बुलाता हो, अगर भारत माता को हम अपनी माँ कहते हैं, अगर ये हमारी सरजमी है, तो अपनी माँ के नाम को विद्रूप कौन करता है। कल तक आप न्यू इंडिया बनाने चले थे, हमारे संगठन का नाम, जब हमारे गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा तो आपने इंडिया को घमंडिया, आपने इंडिया को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मुजाहिदीन, गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर करने लगे। तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब क्या था, ये गुलामी के प्रतीक थे। जिस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, जिस व्यक्ति ने 4000 किलोमीटर पैदल इस देश के नाप दिए कि ये देश जुड़ा रहे, उससे ना भारत छीन सकते हैं ना इंडिया छीन सकते हैं। दिक्कत की बात यह है कि कोई कहता नहीं है मोदी जी लोगों से। मोदी जी की आंख में आंख डालकर बोलनी चाहिए कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब भारत के स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब द वॉर फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज बींग फॉट, तो आपके पूर्वज अंग्रेजों के साथ मुखबिरी और माफीनामे लिखते थे। आज 76 साल बाद आजादी के आप किस गुलामी के खिलाफ लड़ रहे हैं? अगर ये डर नहीं है तो ये क्या है? लेकिन ये बौखलाहट अच्छी है। इंडिया से डरने का मतलब है वो लोगों से डरते हैं, लोगों के खौफ से डरते हैं, लोगों की नाराजगी से डरते हैं। दरअसल हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों ही है, लेकिन पिछले कुछ समय से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब हमारे देश का नाम सिर्फ भारत ही रह जाएगा। दरअसल पूरा मामला यह है कि भारत में G20 समिट चल रहा था, जिसके डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। उसके बाद से ही सबके मन में ये सवाल आने लगे थे। अब देश के नाम भारत और इंडिया को लेकर सियासी गलियारे गरमाए हुए हैं और इस बात को लेकर विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है। ऐसे में चुनावी साल पास आते ही विपक्षी नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। अब वही इंडिया भारत के मामले को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि ये पूरा मामला G20 के बाद हाईलाइट हुआ, जहां पूरी दुनिया में G20 को सराहा जा रहा है, वहीं हमारे देश के विपक्षी नेता इंडिया भारत को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।